जबलपुर जिले का एक अपहरण का मामला अब दिनों दिन बड़ा रूप ले रहा है। हाल ही में बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जुगपुरा में 10 वर्षीय राजा मल्हा को आज गुम हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजा का राज अभी भी बरकरार है। वहीं जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का नाम घोषित कर दिया है। बेलखेड़ा थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि क्राइम ब्रांच सहित करीब 3 टीमें राजा को ढूंढने में लगी हैं, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। वहीं जुगपुरा के ग्रामीण अपने अपने रिश्तेदारों की हार ढूंढ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के लिए आने जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन रेत माफियाओं ने नर्मदा और हिरण नदी के संगम के पास हिरण नदी को पाट दिया है, जिससे एक नया रास्ता चालू हो गया, जिससे लोग 24 घंटे पैदल आते जाते हैं। संभवतः राजा उसी रास्ते से जंगल की तरफ तो नहीं चला गया। हालांकि इससे पहले लोगों का आना जाना नाव से होता था। जुगपुरा के समीप बेलखेड़ा के अलावा 2 थानों की सीमा और लगती है, जिसमें थाना ठेमी तथा थाना सुआतला जिला। वही जुगपुरा में राजा को लेकर समाज सेवियों एवं नेताओं का आना जाना चालू हो गया। बताएं ये जुगपुरा गांव जो है पावला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ बड़ी अजूबा घटना है जो घटी है शुक्रवार के दिन से। 10 साल का बालक यहाँ से अचानक गायब होता है और किसी भी गांव वालों ने उसको ऐसा नहीं देखा कि वो किस तरफ से निकल गया। जब उसको ढूंढा ढाड़ी मची पूरे इलाके के अंदर, जब छानबीन की गई लड़का ना मिलने पर इन लोगों ने थाने में रिपोर्ट की। थाने वाले वही भी आए और देखा सुना, परंतु आज 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद भी यहाँ बच्चा का पता ना लगना, 10 साल का मासूम बच्चा है। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि पुलिस तो कार्य कर रही है, गांव वाले भी उसको निष्पक्ष तौर पर ढूंढवाने का काम करे, और इसके बाद भी SP महोदय को चाहिए कि यहाँ क्राइम ब्रांच को इतना, क्योंकि हमारे थानों में पुलिस कम रहती है, उतनी ज़्यादा ढूंढ नहीं पाती है, इसलिए अलग से एक टीम गठित करके और इस बच्चे को शीघ्र पकड़ा जाए, और जिससे कि इस बच्चे को न्याय मिल सके। अभी लग रहा है कि लड़का कहीं जिंदा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आलोप हुआ है कि कहीं कोई बताने वाला नहीं है। और मैं तो गांव वालों से आज मिलकर ये कहने आया हूँ कि आप लोग पुलिस की मदद करें। और इसमें एक दुखद घटना हुई है कि एक 10 साल का बालक विगत शुक्रवार से 4-5 दिन हो गए हैं और अभी तक उसका पता नहीं चला है। पुलिस भी छानबीन में लगी हुई है और समस्त ग्रामीण में जो लोग हैं ग्रामवासी वो भी उसकी तलाश में हैं, लेकिन जब से घर से निकला है, उस घर से उसकी नानी का घर नज़दीक है, लेकिन किसी को उसकी भनक अभी तक नहीं लगी, न कोई बता पा रहा कि कहां से बच्चा कहां तक पहुंचा है। हम पुलिस से और उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी छानबीन उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि वो बालक मिल जाए और यहाँ अमन कायम शांति रहे इस ग्राम में। नाम बताएं। नेकराम पटेल। भाई का लड़का सर। तो कब? हमारे भाने शुक्रवार की रात को। तो आप लोगों को इतने बजे पता चला था? हमें 9 बजे चला जी। तो कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? सब कहूँ, हम और कहाँ पूछो, बहू ने उनकी सास कहाँ, लोग आई फोन लगाओ, सब कहूँ बच्चा नहीं मिला कहूँ। पुलिस को सूचना दी? फिर पुलिस ने सूचना दी कि सर 10 बजे 11 बजे फिर पुलिस आई, गांव भर को पहले ढूंढ लिया तो सही नहीं मिला लड़का। कितने बजे निकला था लड़का घर से? 8:03 कम रहे थे 8 बजे में जी, रात्रि में। जबकि बात है सर, क्या नाम है उसका बच्चे? राजा। कौन क्लास में पढ़ता था? तीसरी पढ़ रहा है। नाम बताएं आपका? हमर मुन्नी भाई। कौन से गांव में रहती है? जिपरा में। 7:30 के और 8 के बीच। उस समय घर में आपका बच्चा नहीं था? हाँ नहीं था सर। सुबह मैंने कही काके तो ढूंढो, राजा आए ढूंढने लगे, फोन लगा लगे, सब आऊ न रोटी खाई न कच्चू, अब हम सब जन ढूंढने लगे, फोन लगाया हमारे आदमी फोन का लगा रहे, दो भाई बहन बैठ गया तो हम बैठी तन फोन का लगा रहे, गदवा दे दी मोड़ा ढूंढ ली, सब ढूंढ लगे गदवा दे आए। हम सास के घर गए, मम्मा के घर गए और सुबह मन कहाँ गए, मोड़ा नहीं मिलो, हम रोल लगे, हमारा मोड़ा है सोनम मारे फोन लगा दे, कल हम रिपोर्ट करके आए, हमारे मोड़ा है दुश्मन ले गए, सोनम मारे फोन लगा दे रे कोई भाई। सो सबरे के लग गाँव के बच्चा गाँव में हो गए, यहाँ सो नहीं हो सके, यहाँ सो जिंदगी नहीं भाओ। कितनी वर्ष का था आपका बालक? 10 साल का। नाम क्या था उसका?
राजा धनराज नामन राजा राजा से कहते पूरे गांव में। नाम बताएं आपका। राधा भाई। कौन से गांव से हैं? जुगपुरा। यहाँ किस लिए आई? जो मासूम बच्चा गायब हुआ है जुगपुरा गांव से, ये कब गायब हुआ और अभी तक क्या सुराग लगा? 5 तारीख रात 8 बजे यहाँ थाना बेलगिरा के अंतर्गत आने वाले जुगपुरा गांव है, वहाँ से राजा मल्ला है, पिता रामदास मल्ला है नाम का, 10 साल का बच्चा। 5 तारीख को रात 8 बजे करीब अपने घर से अपनी माँ को लेने के लिए बुलाने के लिए गया था। उसकी माँ उसकी दादी के घर पर थी, क्योंकि दादी का घर उसके घर से बहुत नज़दीक है और घर बस्ती में ही है, और बच्चा दादी के घर माँ को बुलाने की बात कहकर जाने के बाद, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब बच्चा वापस नहीं आया, तो उनके पेरेंट्स हैं मदर फादर ने बच्चे की खोजबीन की, और गांव वालों ने भी सबने मिलकर बच्चों की खोजबीन की, रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन किए पता किया, लेकिन कहीं भी बच्चे की जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने फिर थाने में आके दूसरे रिपोर्ट की। रिपोर्ट पर अपराध 363 भारतीय दंड संहिता का पंजीबद्ध किया गया है, और चूँकि नाबालिग बच्चा है उम्र 10 साल है, इसलिए हम पूरी गंभीरता से उसकी तलाश कर रहे हैं और हर एंगल पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बच्चे की तलाश हेतु, उससे जुड़े हुए लोग, उसके रिश्तेदार, उससे इनकी अनबन चलती थी और किसके साथ ज़्यादा रहते थे, इस संबंध में हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम बच्चे को लाने में सफल हो पाएंगे, आरोपी को गिरफ्तार कर सकेंगे। सर नाम बताएं। मैं TI सुजीत श्रीवास्तव थाना बेलखेड़ा से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।